बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गोरखोखर लॉ विद स्टार अली गोर चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जी हां, आज हमारा टॉपिक क्या है, कायदे आजम मोहम्मद अली जना जनरल नॉलेज या पाक स्टडी या पाक अफेयर्स, आप लोग कह सकते हैं। नहायत ही अहम टॉपिक है, तो हम जानेंगे कायदे आजम कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कायदे आजम के बारे में जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिहाज से हम लोग देखेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है और अहम टॉपिक भी है, कायदे आजम मोहम्मद अली जना कब पैदा हुए, कायदे आजम मोहम्मद अली जना कब पैदा हुए, कहते तो मोहम्मद अली जना जो है 25 क्या दिसंबर, ठीक है 25 दिसंबर मतलब किसी भी साल के आखिरी महीने के कौन सी 25 तारीख को 1876 को पैदा हुए, ठीक है। कहते तो मोहम्मद अली जना 25 दिसंबर 1876 कहाँ पैदा हुए, कराची शहर में, मतलब अगर याद कर रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले शहर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में पैदा हुए कराची में, 25 दिसंबर 1876 कायदे आजम मोहम्मद अली जना कराची में पैदा हुए। कायदे आजम मोहम्मद अली जना के वालिद का नाम क्या था, कायदे आजम मोहम्मद अली जना के वालिद का नाम क्या था, जनाबाई, ठीक है जनाबाई पूंजा, फादर नेम जनाबाई पूंजा, मोहम्मद अली जना के वालिद का नाम। कायदे आजम मोहम्मद अली जना की माँ का नाम क्या था, मिठी, ठीक है हम जिसको सिंधी वगैरह में मिठी बोलते हैं, मिठी भाई या मिठी भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप प्रोनाउंस वगैरह करेंगे या किसी को मिठी नहीं आता तो सबको आएगा मिठी भाई जना, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जना की माँ का नाम क्या था, मिठी भाई जना। एजुकेशन, जो अर्ली एजुकेशन है, जो पहली एजुकेशन है, कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने कहा मदरसतुल इस्लाम कहाँ, कराची से हासिल किया, मदरसतुल इस्लाम कराची से हासिल किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो मदरसतुल इस्लाम कराची से हासिल की। उसके बाद जो है कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने मैट्रिक कहाँ, बम्बई यूनिवर्सिटी से, ठीक है बम्बई यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अली जना ने क्या हासिल की, मैट्रिक की तालीम हासिल की। उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जना लंदन चले गए, कहाँ गए लंदन चले गए, किसके लिए, बार इन लॉ, ठीक है बैचलर इन, किसके लिए बैचलर इन ला के लिए, एलएलबी के लिए आप कह सकते हैं, बैरिस्ट्री उन्होंने की कहाँ से, लिंकोलन यूनिवर्सिटी से की, लिंकोलन यूनिवर्सिटी से की, कब की 1893 1893। कायदे आजम मोहम्मद अली जना डेट व्हाट, बैचलर इन ला, ही बिकेम बैरिस्टर इन 1893 1893 में कायदे आजम मोहम्मद अली जना क्या बने, एक वकील बने, बारह लाख का उन्होंने जो क्या है कोर्स किया, ग्रेजुएट उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग, सवाल आता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, 1913 में, मोहम्मद अली जना या कायदे आजम ने जो है 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की, कब ज्वाइन की 1913 में, 1913 गवर्नर जनरल, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जना कब बने, 15 अगस्त, ठीक है 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने कायदे आजम मोहम्मद अली जना, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, कब उनकी डेथ हुई, 11 सितंबर 1948। तो उनका जो है ये पीरियड ख़त्म हुआ कहाँ पर, 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम मोहम्मद अली जना क्या हुए, फौत हो गए, इस जहाँ से चले गए। तो गवर्नर जनरल, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कौन थे गवर्नर जनरल, जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदे थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे उसके लिए लंदन को, ठीक है देवर द रिप्रेजेंटेटिव। तो उस वक्त सदर वगैरह क्यों नहीं थे, क्योंकि ये लोग जो है रिप्रेजेंट करते थे पाकिस्तान में, कितने 4 टोटल गवर्नर जनरल रह चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन थे, गवर्नर जनरल का मकसद क्या था, टू रिप्रेजेंट, ठीक है नुमाइंदे थे, अपने मुल्क के नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंट करते थे अपने मुल्क को, छोटी सी बात। तो ये अहदा किसकी तरफ से था, किंग और क्वीन ऑफ द ब्रिटेन, किंग ऑफ क्वीन की तरफ से ये अहदा बनाया गया, कौन सा अहदा बनाया गया, गवर्नर जनरल का। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जना कब पैदा हुए, 25 दिसंबर 1876 कराची में पैदा हुए। कायदे आजम मोहम्मद अली जना के वालिद का नाम जना भाई पूंजा था। कायदे आजम की माँ का नाम क्या था, मिट्टी भाई जना था। एजुकेशन कहाँ से, मदरसतुल इस्लाम कराची से हासिल की। मैट्रिक बम्बई यूनिवर्सिटी से हासिल की कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने। बैचलर डिग्री जो है लिंकोलेंस
यूनिवर्सिटी 1893 में उन्होंने क्या वकालत डिग्री हासिल की, उनका जो उन्होंने कब जो है मुस्लिम लीग में शमूलियत 1913 में की, उसके बाद गवर्नर जनरल जो है 15 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल बने और 11 सितंबर 1948 को वो वफात पा गए और उनकी गवर्नर जनरल का अहदा भी 11 सितंबर को ख़त्म हुआ 1948 को। ठीक है, शुक्रिया। मैं हूँ एडवोकेट अली गोखोकर। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।